Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, assalamu alaikum. My name is Azhar Ahmed Baig, lecturer in physics. Today, my topic is Newton rings, which is from first year physics, chapter number 9. The topic number is 9.6 on a page number 299. A plano convex lens is placed on a plate of a glass which causes an air film to be enclosed between the lens and glass. The thickness of the film is very small at point A, but the thickness increases as we move outward as shown in the figure. Yahan is figure mein दिखाया ये गया है कि एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस प्लेस किया गया है एक प्लेन ग्लास प्लेट पे और इनके दरमियान ये जो एयर है जहां पे एक थिन फिल्म प्रोड्यूस हो रही है जिसकी थिकनेस टी है. जब लाइट रेज पास होंगी इस प्लेनो कन्वेक्स लेंस से तो फिर constructive destructive interference produce hoga in the form of rings jaisa ke is picture mein dikhaya gaya aur ye experiment ko newton rings is wajah se kaha jata hai kyunki newton ne sir isaac newton ne 1717 mein is experiment ko perform kiya tha. ab iski further detail discuss karte hain. dear students, when a light falls at a point where the thickness of the film is T, then ray 1 goes a phase change of 180 degree. देखें ये बात आप लोगों से लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके थे कि थिन फिल्म के जो भी टॉपिक्स हैं उन तमाम में क्या होगा कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी so some part of the light is reflected and some part of the light is refracted. so yahan pe jo light ray 1 refract hua hai reflect hua hai to 180 degree reverse ho jayega. or there is no phase change for the ray 2. if the radius of the curvature of the lens is very large compared to with the radius of the ring, the point of contact gives the dark ring due to the zero path difference. the dark and bright circles are called Newton rings as shown in the figure. ab yahan pe dekhen iski kuch mathematical discuss karte hain isko. aage kehta hai ki these are due to the constructive and destructive interference using the geometrical theorem that the product of intersecting chords are equal. we have yahan pe dekhen yahan pe hamare paas ek mathematical theorem istemal kiya gaya hai jise kehte hain intersecting chords theorem. when the two chords intersect each other inside a circle, the product of their segments are equal. अब यहाँ पे इस सर्कल के अंदर हमारे पास फोर कॉर्ड्स दिखाए गए हैं जिसमें एक है ए बी सी डी. अब आप देख सकते हैं कि ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय डी. तो इसी थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी पिक्चर में इस डायग्राम में देखते हैं कि यहाँ पे ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस इसकी जो थिकनेस है एयर फिल्म की जहां पे ये है टी और ये जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस को अगर एक कंप्लीट स्फीयर की शेप दे दे तो इसका सेंटर हो जाएगा ओ और आर विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर. स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस. नाउ अब अप्लाई करते हैं इस थ्योरम को
न्यूटन रिंग पे, तो यहां पे देखें आर, इस पिक्चर में आर मल्टीप्लाई बाय आर, स्मॉल आर यहाँ पे रेडियस ऑफ रिंग है, दैट इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय सी, दैट इज बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब हम इसके डेरिवेशन की तरफ वापस चलते। अब यहां पे देखें डियर स्टूडेंट्स कि आर स्क्वेयर, आर मल्टीप्लाई बाय आर, आर स्क्वेयर दैट इज इक्वल्स टू बी सी मल्टीप्लाई बाय ए बी। अब तमाम स्टूडेंट्स को मालूम है कि ये जो डिस्टेंस है बी और सी, इसको हम यहां पे भी देख सकते हैं। देखें ये जो डिस्टेंस है बी इंटू सी, तो क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि ये टोटल डिस्टेंस, इसको हम कह सकते हैं कि ये टू आर माइनस पी के बराबर है। किस तरीके से कि ये जो ए और बी का फासला है जिसे हम पी कह रहे हैं, अब अगर ये जो देखिए इस टोटल डिस्टेंस को हम 2r माइनस टी कहेंगे फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी, ये देखें, सो द बी सी दैट इज इक्वल टू 2r, ये जो r है रेडियस ऑफ कर्वेचर को डबल कर दें और इसमें से t माइनस कर दें तो हमें b इंटू सी बचेगा। सो r स्क्वायर इज इक्वल टू 2r माइनस टी मल्टीप्लाई बाय ab, सो ए बी बेसिकली ये थिन फिल्म, एयर फिल्म की थिकनेस है जिसे हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2RT माइनस टी स्क्वेयर। और वी कैन से आपको ये भी मालूम है कि टी जो थिकनेस है एयर फिल्म की वो बहुत स्मॉल है, अगर हम उसका स्क्वेयर कर देंगे तो ये थिकनेस मजीद स्मॉल हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स इस वजह से हम टी स्क्वेयर को निगलेक्ट कर देंगे। सो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 2TR बाय टेकिंग द स्क्वेयर रूट ऑन द बोथ साइड, सो वी गेट आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2T कैपिटल आर, हियर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस। नाउ फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हम पहले पढ़ चुके हैं कि थिन फिल्म्स के अंदर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस रिवर्स हो जाती हैं। सो यहां पे 2NT हमने फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट टाइम भी कि d इज इक्वल्स टू m लैम्डा, और इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में पढ़ा था कि 2D इज इक्वल्स टू m लैम्डा। तो यहां पे 2NT is equals to n plus half lambda, here n is refractive index, m is the number and half is half, यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा ताकि जो है वो हमारे पास constructive interference आ जाए, या तो हम यहाँ पे direct m की value half lambda, 3/2 lambda, 5/2 lambda ले सकते हैं। so चूंकि ये air film है, थिन फिल्म जो है वो एयर में बन रही है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन की वैल्यू है 1। सो 2T इज इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा फॉर द फर्स्ट ब्राइट रिंग, एम इज इक्वल टू 0। जब एम इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो फर्स्ट ब्राइट रिंग बनेगी, सो 2T इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ लैम्डा दैट इज इक्वल टू हाफ लैम्डा। और अगर हम कोई भी ब्राइट फ्रिंज मालूम करना चाहते हैं तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा n इज इक्वल्स टू m प्लस 1। अब यहां पे n का मतलब है नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, और m यहाँ पे क्या है, m एक नंबर है और 1 ये कांस्टेंट है, सो m इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास पहली ब्राइट फ्रिंज होगी तो यहाँ पे m की वैल्यू 0 होगी, तो हमें फर्स्ट n की वैल्यू 1 आ जाएगी।
So putting the value of n is equals to n plus 1, तो यहाँ पे आ जाएगा n की जगह पे 2tn, that is equals to n minus 1 plus half lambda, यहाँ पे lambda होना चाहिए, ये miss हो गया, so 2tn is equals to n minus 1 over 2 lambda, so putting the value of 2t in equation A, now हमारे पास ये equation A थी, अब इस equation A के अंदर जब हम इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे सो आर एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2t कैपिटल आर सो दैट इज इक्वल्स टू आर एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर ब्रैकेट एन माइनस 1 ओवर 2 लैम्डा सो डियर स्टूडेंट्स ये जो आर एन यहां पे आया है ये राइट रिंग का रेडियस है जो आपको यहां पे इस तरीके से दिखाई दे रही है और इस फार्मूले के जरिए आप किसी भी ब्राइट फ्रिंज की रिंग का रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं यहां पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है प्लीज डियर स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच